शाजापुर के नेहरू स्मित वन में वन्य प्राणी जंगली सुअर का शिकार कर उसका मांस पकाने का मामला सामने आया है। इस मामले में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की शिकायत पर लाल घाटी पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें से अभी तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। इस मामले में एक सेना के जवान के अलावा 3 अन्य शासकीय कर्मचारी शामिल हैं। डीएफओ मयंक चांदीवाल ने बताया, 7 जनवरी की शाम 6 बजे वन अमले को मुखबिर से सूचना मिली कि नेहरू स्मृति वन में कुछ लोग जंगली जानवर को मारकर उसे पका रहे हैं। इस पर डिप्टी रेंजर अशोक सिंह बघेल अमले के साथ मौके पर पहुंचे और वहां देखा 8 लोग आग पर कुछ पका रहे हैं। ज्यादा व्यक्ति होने एवं उनके पास हथियार होने की शंका में डिप्टी रेंजर ने रेंजर को फोन लगाकर पुलिस बल को भेजने की बात कही। रेंजर ने लालघाटी थाने पर फोन लगाकर पुलिस बल मांगा और वन विभाग और पुलिस की टीम ने 2 अलग अलग रास्तों से आरोपियों की घेराबंदी की। मौके पर मौजूद 8 लोगों में से 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और 4 भागने में सफल हो गए। 4 आरोपी देव कुमार सूर्यवंशी, सुरेश दसालिया, कमल सारवान, राम भरोसे खंगरवाल को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से हथियार और अन्य सामान जब्त हुआ है। आरोपी देव कुमार सेना में जवान हैं और कमल व राम भरोसे नगर पालिका में कार्यरत है। सुरेश बिजली कंपनी में कार्यरत है। यह मामला 7 जनवरी का है। 8 जनवरी को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, यहां से उन्हें जेल भेजा गया। उसके बाद 6 आरोपी जमानत पर बाहर भी आ गए। इस पूरे मामले में वन विभाग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। इतनी बड़ी घटना को दोनों ही विभागों ने दबाने का प्रयास किया। एक हफ्ते बाद यह मामला मीडिया के सामने आ सका। एक सेना का जवान और 3 शासकीय कर्मचारी आरोपी में शामिल होने से इसे मीडिया के सामने नहीं आने दिया गया। नेहरू स्मृति वन में आए दिन पार्टियां होती रहती हैं। यहां पर लोगों ने अड्डा बना रखा है, जंगली जानवरों का शिकार कर पार्टियां मनाई जाती हैं। इस पूरे खेल में कई शासकीय कर्मचारी भी शामिल हैं जो आए दिन यहां शराब और कबाब पार्टी करते रहते हैं। ये संभावना बताया गया कि उनके पास हथियार हो सकते हैं, उन्होंने शिकार किया हुआ है, तो हमने पुलिस की मदद ली और उनको तीनों चारों तरफ से घेर के शिकार के साथ उनको पकड़ा। कुल वहाँ पर 8 लोग थे, जिसमें से शनिवार की शाम को 4 लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया गया था। 4 वहाँ से फरार हो गए थे, जिनमें से 2 को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, 2 अभी भी फरार है।